उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के मोहल्ला खेल निवासी सेना में स्थानीय थाने पर तहरीर देकर अपने 3 सगे भांजों के ऊपर लगभग 6 माह पूर्व भात के लिए 21,000 रुपये वापस मांगने का दबाव बनाया गया, जिस पर पीड़ित ने 2 दिन का समय देते हुए कहा था कि पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया है, इसलिए 2 दिन बाद लौटा दूंगा। तो आरोपियों ने अपने सगे मामा को लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और पीड़ित ने अपना मेडिकल परीक्षण कराने के बाद सगे 3 भांजों के खिलाफ स्थानीय थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चलता। अच्छा, चोट कैसे लगी और थाने में कैसा है आप? ये ऐसा हुआ जी, मुझे तो 1,000 रुपये दिया था भाद में, उन्होंने हमें मुझे बुलवाया, मुझे जा रहा था शादी में जाना था, मुझे आज मेरे बड़े मामा के यहाँ शादी है, जो उठाने जा रहे थे वो मैं तैयार होकर जा रहा था, उन्होंने मुझे बुलवाया, मेरा मामा लौंडा कहना आ जाए इधर आएगा बात करेंगे, हम बात कर रहे बड़े भाई गए हैं अपने, ये पैसे थे मेरे 48,000 रुपये, मैंने कहा भाई 48,000 वो जुलते रहे, फिर 21,000 रुपये उन्होंने उसके मांगे बात के गए कि खरे इतना खरा है तो 21,000 रुपये भी दे दे। मैं मुझे भाई और आ गया, मेरे चला जाया था, मैं बाहर निकल कर आ गया, बच्ची ली है मेरी 7-8 साल की, वो बच्चे को ले दी मैंने, उसको मैं ले रहा था आगे पीछे 3 भाइयों ने धड़ा धड़ दे मार, फिर मेरी घरवाली पर भी हाथ उठा उन्होंने। अच्छा, कौन से थे लोग? कौन लोग हैं, क्या लगा, क्या नाम है? एक आशू, एक हारून और जी एक है यो फानू। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना नहीं दी इसकी? हाँ, 100 नंबर पर हमने फ़ोन किया था। क्या कार्रवाई हो रही अभी? बस अभी तक तो यह है जी, रिपोर्ट ली इन्होंने, बाकी कितने संतुष्ट हो आप पुलिस की कार्रवाई से? अभी तक तो कुछ भी नहीं है जी, देखो कल से क्या नहीं करे, कल कल चीट मिलेगी पुलिस उठाने जा रही, ये तो यही जानी जी, उठाने जा रही नहीं जा रही, हम तो ये चाह रहे हैं कि हाँ कौन चाहिए। ठीक, उत्तर प्रदेश से फुरकान जंग की रिपोर्ट।